अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज आज इंतखाबी मैदान में NA120 लाहौर से उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया और हमजा इस वक्त पिक्चर से आउट है और मरियम इन है NA120 से, जहां इनके वालिद इलेक्शन जीते आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा दूसरी जमातों की नस्बत कहा जाए तो बहुत ज़्यादा भारी नजर आता है अभी फ़िलहाल। ऐसी ही पोजीशन है लाहौर सारे से, एक नशस्त के अलावा तमाम नशस्तों से नून लीग जो थी कौमी असम्बली से वो जीत गई थी। अभी भी पोजीशन कितनी मुख्तलिफ होगी ये आइंदा आने वाले दिन तय करेंगे और ज़्यादा रिजल्ट के ऊपर ये होगा कि कितने मार्जिन से नून लीग जीती है, ये बड़ा अहम होगा। NA122 जहाँ अयाज सादिक से चैलेंज किया था इमरान खान ने इंतखाबी नतज को, जब मुकाबला अलीम खान से हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो अलीम खान से मुकाबले में नून लीग पहले तो शुरू में बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हम बड़े मार्जिन से हराएंगे, लेकिन इलेक्शन वाले दिन रात को मसल्ले बिछा के दुआएं मांगनी पड़ी और मुश्किल से 2000 वोटों से जीते। ये वाली सूरत हाल हुई तो फिर नून लीग को सीरियसली अपने मतलब सोचो विचार करना पड़ेगा कि क्या चीज़ इनसे मिस्टेक हुई कि लाहौर के ऊपर मेट्रोज भी बना दी, ऑरेंज लाइन भी बना दी, सब कुछ कर दिया, इसके बावजूद अगर नतज ऐसे आए। लेकिन ये एजम्पशन है, मैं अल्टीमेटली इस पर कुछ कह नहीं रहा। ये डिपेंड करेगा कि मुखालिफ जमातें जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम कैसे चलाती हैं। मेट्रो का तस्करा कर रहे हैं तो एक और मेट्रो है जिसका आजकल बहुत तस्करा है, आज उसके मतलब हम आपको कुछ दस्तावेजात भी दिखाएंगे। हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं जो हमने हासिल की मुख्तलिफ ज़राए से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, दीगर गवर्नमेंट के अदारों से, अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए, क्योंकि इसके अंदर एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क जो है उसका नाम साथ आ रहा है। थोड़ी सी मैं आपको तफसील बताता हूँ। मुल्तान मेट्रो का हम तस्करा कर रहे हैं और मुल्तान मेट्रो हवाले से चाइना सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी कमीशन, इन्होंने आज से तकरीबन 6-7 माह पहले या 8 माह पहले, दिसंबर जनवरी के कुछ दिन थे जब इन्होंने अप्रोच किया SCCP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान का जो है उससे रबता कायम किया। इशू पैदा हुआ, एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका नाम है शिन डोंग या बेट, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो मुझे नाम समझ आया मैं उसके मुताबिक बोल रहा हूँ, शिन डोंग या बेट। इसके मतलब एलिगेशन ये था कि इनके पास सब कॉन्ट्रैक्ट है मुल्तान मेट्रो का। जो दो कंपनी जिन्होंने इसको सब कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें एक कंपनी का नाम था कैपिटल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके CEO हैं खुर्रम शहजाद, और दूसरी कंपनी है हबीब रफीक लिमिटेड, बड़ी नॉन पाकिस्तान में कंपनी है। इन दोनों के ऊपर इल्ज़ाम ये था और चाइनीज़ कंपनी ने लिख के भेजा इनका, मेरे पास वो लेटर की कॉपी है, प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन के ऊपर वो ईमेल डालिएगा। खालिदा हबीब ये हैं सिक्योरिटी SCCP की, जिनको चाइना ने ख़त लिखा था, उनका क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट ऑफिस है, उसने ख़त लिखा और कहा कि हमें ये तफसीलात दें जिसमें कैपिटल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये क्या इसके पास कॉन्ट्रैक्ट था, कितनी अमाउंट का था वो बताया जाए, हबीब रफीक लिमिटेड के पास क्या था, हबीब रफीक और मेट्राकॉन इनका जॉइंट वेंचर जो है उसकी क्या डिटेल्स हैं, टोटल अमाउंट और दीगर तमाम तफसीलात, इसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब जो अगली बात बताऊंगा वो थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया, एक जो शुनीद है जो खबर वो ये है कि ये जो कैपिटल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके CEO बज़ाहिर खुर्रम शहजाद हैं, ये एक तासुर दिया गया कि ये शरीफ फैमिली के साथ लिंक है। ये किसने तासुर दिया, हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि ख़ुद इस कंपनी ने ये इंप्रेशन क्रिएट किया कि ये शरीफ फैमिली की कंपनी है, मैं खुर्रम शहजाद इसको बता रहा हूँ, हमें ये तासुर मिला अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स के जरिए हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। चाइना को परेशानी क्यों लाहक हुई, $17.5 मिलियन की रकम रिपोर्ट की जा रही, ये कहीं से पैसा लॉन्डर हो गया, पाकिस्तान से बाहर कहीं चला गया, कैसे गया ये भी मालूम नहीं। लेकिन जब हमने फर्दर इस पर तफसीलात इकट्ठी की तो पता चला ये कि चाइना को $50 मिलियन कुछ ऐसी अमाउंट्स मिली जो ऑफशोर टैक्स हेवन हैं, वहाँ से उनका ताल्लुक जुड़ता था कि पैसा कहीं छुपाया जा रहा था, चुराया जा रहा था, ले जाया जा रहा था। जब उन्होंने इस कंपनी की तफसीलात हासिल करना शुरू की तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर मुल्तान में मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है बड़ी हाई कॉस्ट के ऊपर, उस सब कॉन्ट्रैक्ट इसी के पास है, उसमें ये रकमें जो हैं कहीं आगे पीछे हुई हैं। ये आपको अगर चौधरी शुगर मिल का केस याद हो तो चौधरी शुगर मिल में 73 करोड़ रुपया कहीं गायब हो चुका है, मालूम नहीं कहाँ गायब हुआ है। ये उसकी इन्वेस्टिगेशन थी जिसको बाद में रिकॉर्ड टेम्पर करके 2013 की इंक्वायरी 2016 में बंद करने की कोशिश की। इस वक्त भी जफर हिजाजी साहब चेयरमैन थे जब दिसंबर जनवरी में चाइना ने, उसकी क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट का इदारा है और मैं कोट कर रहा हूँ, चाइना सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी कमीशन, उसने ऑफिशियली अप्रोच किया कि हमें इसके मुतल्लिक तफसील दीजिए। हमारे रिपोर्टर्स उनसे जो सवाल जवाब करने गए तो हमें पता चला ये कि वो उसके ऊपर बैठ गए हिजाजी साहब, ना सिर्फ हिजाजी साहब बैठ गए बल्कि उनके चीफ प्रोसिक्यूटर हैं मुजफ्फर मिर्ज़ा वो भी, और जो कंसर्न्ड उनके कमिश्नर थे वो भी, वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बैठ गए, बजाय इसके कि इस केस को रेफ़र किया जाता FIA और NAB को
और जो मुतलका लोग थे उनको पकड़ा जाता और उनसे पूछा जाता कि ये चाइना कह रहा है जो हमारा दोस्त मुल्क है जिसके तावन से हम ये सीपैक लगा रहे हैं और बड़ा सारा दिन ढोल पीटते हैं, वो कह रहा है $50 मिलियन कहीं लॉन्डर हो गया, ये पैसा किधर गया। खबर अब जब अल्टीमेटली निकली तो 17.5 मिलियन डॉलर की रकम कही जा रही है, लेकिन हमारी इतला कह रही है कि टोटल चाइना जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो $50 मिलियन की रकम है, बहुत बड़ी अमाउंट है, $50 मिलियन। इसके मुतलक फर्दर अपडेट यह है कि ये जो चाइनीज़ इदारा है SCSRC क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट का इदारा, इसकी टीम जो है पाकिस्तान आई पिछले चंद रोज़ में और उसने इस शख्स से जिसका नाम खुर्रम शहजाद है कैपिटल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी इससे भी और हबीब रफीक लिमिटेड इसका जो मेट्रो प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उससे भी इंटरव्यूज़ किए। एक तासुर हमें यह मिला है, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए मैं तासुर को लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है ये बात 100% ही दुरुस्त हो कि इस शख्स ने कन्फेस कर लिया है कि हाँ ये कुछ बंगलिंग हुई है। बंगलिंग की नोयत मेरे पास नहीं है, वो रिकॉर्ड जो है कुछ हिस्सा उसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजा गया है, ज़्यादातर हिस्सा उसका SEC के पास है। ट्रांसपेरेंसी डिमांड करती है कि जो पार्लियामेंटेरियन बड़े बड़े नारे मारते हैं कि मुझे क्यों निकाला, वो इसके ऊपर सच्चाई भी बताएं, ये बताएं कि इसके ऊपर क्या हुआ। हमें पाकिस्तानी कौम को इसकी पूरी तफसीलात जानने का पूरा हक है कि अगर इसके अंदर कुछ ऐसी हैंकी फैंकी हुई है, कुछ ऐसी फेक कंपनी है जिसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया या पाकिस्तान का जो दोस्त मुल्क है चाइना उसकी किसी कंपनी के साथ मिलकर कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाया जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ बल्कि चाइना के साथ जो तल्लुकात हैं उसके हवाले से अगर वो दोस्त मुल्क आके इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि आपकी कंपनी ने मिलकर हमारे साथ कुछ ऐसा हाथ किया है कि हमारी कंपनी ने भी ये पैसा लॉन्डर किया है, तो मेरे ख्याल में शर्मसारी का मुकाम है, कोई इज्जत की बात नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम इस प्रोजेक्ट मुल्तान का जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो डेटा सामने आ रहा है सर्वे के नतीजे में, पॉपुलेशन सेंसिस के नतीजे में, उसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि बहुत बहस हो रही है कि कराची की जो पॉपुलेशन है वो इतनी क्यों है 149 मिलियन और लाहौर की जो दिखाई गई है वो इतनी क्यों इंक्रीज़ हुई। मेरे पास इसका 2+2=4 की शक्ल में जवाब नहीं है, लेकिन जो हमारे मेहमान हैं उनसे कोशिश करेंगे कि आज इस प्रोग्राम में हम इसका जवाब पूछें कि पॉपुलेशन 98 से 2017 के दरमियान लाहौर की अगर डबल हुई है तो कराची की क्यों नहीं डबल हुई, क्या कोई डेफिनेशन का फ़र्क है, कोई अर्बन रूरल पॉपुलेशन की काउंटिंग का फ़र्क है या कुछ और ऐसे हुआ है कि लाहौर में लोग बहुत आ गए मेट्रो की वजह से कि बस मिलती है बस पे बैठ के जाएंगे कराची में नहीं गए। मेरे पास क्लियर आंसर नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर सिर्फ टॉपिक के हद तक इंट्रोड्यूस करवा के छोड़ूंगा, अपने मेहमानों से पूछेंगे बस इसका जवाब क्या है। जो मेहमान शख्सियात हैं कराची से आज हमारे साथ हैं शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जो दो मोहतरम शख्सियात हमारे साथ हैं असद उमर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ और मिफ्ता इस्माइल साहब हैं स्पेशल इकनॉमिक असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको खुश आमदीद कहता हूँ जी सबको प्रोग्राम में। यासिर मजीद साहब हमारे नुमाइंदे हैं और मुल्तान प्रोजेक्ट के हवाले से मेट्रो प्रोजेक्ट के हवाले से इनसे अपडेट ले लें, फिर मैं इस कंपनी की तरफ आऊँगा कि ये शिन डोंग या बेट कौन है, कैपिटल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ये किसकी है, खुर्रम शहजाद कौन है, किसी का फ्रंट मैन है भी है या नहीं है और इसमें हबीब रफीक लिमिटेड इसका क्या रोल है। जी पहले अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ चलते हैं, बताइएगा जी इस प्रोजेक्ट का कुछ ओवरऑल हमें खद्दोखाल बताइए, कितने का प्रोजेक्ट था, कैसे लगा, कितनी बसें चलती। जी नदीम मलिक साहब, ये प्रोजेक्ट 2014 में वज़ीर-ए-आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ की जनाब से ऐलान किया गया था, उस वक्त 30 किलोमीटर तवील रूट बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में जब फेज़ वन तैयार हुआ जिसमें 18.5 किलोमीटर जो अभी मौजूदा बना हुआ है ये फेज़ वन में था, इसके अलावा 12 किलोमीटर का जो फेज़ टू था वो बाद में नहीं बन सका। जो फेज़ वन जो बना है तकरीबन इस पर 28 अरब रुपए की लागत आई है, 21 स्टेशन इस पर बनाए गए हैं और इस पर तकरीबन जो स्टेशन बनाए गए हैं उनमें 14 स्टेशन तो फ्लाईओवर के ऊपर बनाए गए जबकि 7 स्टेशन ग्राउंड पर बनाए गए हैं। जो इंतजामिया उसकी जानब से शुरू में दावा किया गया था कि 95,000 मुसाफिर रोज़ाना की बुनियाद पर मेट्रो पर सफ़र करेंगे, लेकिन ये दावा मुकम्मल ना हो सका, ये फिगर तकरीबन 25,000 से 30,000 योमिया पर रहा, जिसके बाद इंतजामिया ने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ और अगले माह तक शुरू कर दिया जाएगा, जो फीडर बसेस हैं जो मेट्रो स्टेशन के जो लिंक रूट्स हैं उनके ज़रिए फीडर बसेस के ज़रिए मुसाफरों को इन स्टेशन तक लाया जाएगा ताकि मेट्रो पर सफ़र करें और ये फिगर मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। इंतजामिया की जानब से 265 कैनाल राज़ी भी ख़रीदी गई थी और जो मालकान उनको 4 अरब रुपये ज़मीन के मालकान को अदा। काफ़ी अपडेट है इस प्रोजेक्ट का, बहुत शुक्रिया आपका। ये मुल्तान पड़े बैकग्राउंड में आपको नज़र भी आ रहा है ये बसें चल रही हैं। असद उमर साहब पहले आपसे आगाज़ करूंगा, ये मेरे पास वो ईमेल की कॉपी है
जो चाइना का वो जो क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट का अदारा है उसने SECP को लिखी है। मैंने इन खालिदा हबीब साहिबा को ख़ुद भी आज ईमेल किया है, मुझे उसका रिप्लाई नहीं मिला उनसे, अगर मिलता तो मैं यकीनन प्रोग्राम में अपडेट करता। लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट्स है, मिलियंस ऑफ डॉलर, 17.5 मिलियन डॉलर हो तो वो भी छोटी नहीं है, लेकिन हमारा लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है कि इट इज़ अप टू $50 मिलियन जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये पैसा लॉन्डर हुआ है। आज आप जलसे में इमरान से भी सुन चुके हैं, वो भी शोर मचा रहे थे, क्या कहानी क्या? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही पैरेलल ड्रॉ किया था। जब ये केस मैंने सुना ना, तो मेरा भी इमीडिएट रिएक्शन वही था कि ये तो चौधरी शुगर मिल वाली स्टोरी है। सिमिलर केस है, बिल्कुल सिमिलर केस है, वो वहाँ पर नज़र आ रहा है। और मैं नदीम मलिक साहब आपके प्रोग्राम पे भी कह चुका हूँ, मैं अक्सर ये बात कई सालों से बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल हमारे इदारों की ये है, और उन इदारों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो चोरी पकड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, वो चोरी पर पर्दा डालने के लिए बिठाए जा रहे हैं। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का रोल देखें, क्या उन्होंने चौधरी शुगर मिल्स का अभी इसमें जिस तरीके से सामने आ रहा है, और आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, देखें चाइना के अंदर एक बड़ी बहुत ही एक तमाना एंटी करप्शन एक्सरसाइज चल रही है, एक एहतसाबी अमल चल रहा है। उन्होंने पता नहीं कितने वजीरों को, एक उनका बहुत सुपरस्टार होता था जिसने पूरा रेलवे नेटवर्क बनाया था, वो कहते थे फ्यूचर का प्रीमियर है, वो उसको मौत की सजा हुई हुई है, अभी एक्सिक्यूट नहीं हुआ लेकिन मौत की सजा दी हुई है, हजारों ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने पकड़ लिए, तो वो करप्शन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से इनिशिएट होता है और यहां पर आके सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंदर वो फिर फाइल दबा दी जाती है, फिर उसके बाद आगे कुछ नहीं होता है। दूसरा जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि ये तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, ये मुल्तान मेट्रो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, चंद मिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है ना। जो CPEC के जरिए प्रोजेक्ट्स हमारे इस वक्त किए जा रहे हैं मुल्क के अंदर, उनकी टोटल क्वांटम जो है वो $49 अरब है, एक भी प्रोजेक्ट किसी कंपेटिटिव बिडिंग के थ्रू नहीं गुजरा, एक भी नहीं, सारे प्रोसीजर बाईपास हुए हैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। 300 मिलियन डॉलर में 50 मिलियन डॉलर का सवाल उठ गया कि ये पैसा लॉन्डर हुआ है, तो आप सोचें कि 49 मिलियन डॉलर में से तो 10,000 मिलियन डॉलर जब होंगे तो उसके अंदर खदशा किसका है। मैं ये नहीं कह रहा कि है, लेकिन ये सवाल तो फिर पहले दिन से उठ रहे हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग जो हैं, इनको कोई ना कोई तो अपनी पार्टी को हिदायत देनी चाहिए या एडवाइस देनी चाहिए। मिफ्ता साहब से पूछने से पहले एक बात और पूछूं आपसे, वो गैर मौजूद नहीं है इस वक्त, इसहाक डार साहब, इन रिसेंट पास्ट मैं जब से कवर कर रहा हूँ मैंने नहीं देखा कि किसी मामले में ये इल्ज़ाम लगाओ कि डार साहब इतने पैसे चुरा के ले गए। ये इल्ज़ाम मिफ्ता इस्माइल के ऊपर भी नहीं है, ऐसे निकवाल के ऊपर भी नहीं है ये इल्ज़ाम, जो लोग कंसर्न मिनिस्ट्रीज में बैठे थे। इतने बड़े ये फ्रॉडिया केस जो हैं, ये कैसे इनकी आंखों से उजल रहते हैं? सर देखें, माजरत के साथ डार साहब के ऊपर इल्ज़ाम है या नहीं है, वो पुराना हुदैबिया वाला एक लेटर है, मैं उसको अभी नहीं टच करता, उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, तो अभी हम उस बहस में नहीं पढ़ते, उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, मैं उस बहस में नहीं पढ़ते। लेकिन जब पैनमा का पेपर्स का इंकशाफात ब्रेक किए तो क्या डार साहब वजीर खजाना थे? बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ की फैमिली छोड़ दें, बिल्कुल 400 और लोग थे ना, क्या किया? आपका ख्याल है ऊपर बैठे रहे, इस पे भी ऊपर बैठे रहे, क्या किया? कुछ भी नहीं। आपको पता है एक दफा FBR वाले आए थे, बड़ी मुश्किल से उनको बनाने नहीं देते ना, कमेटी मीटिंग में नहीं आने देते, फाइनेंस की कमेटी में, ये मैं रौला डाल रहा हूं एक साल से, सिर्फ एक दफा वो आए थे, शुरू के दिन थे, उन्होंने कहा जी खत लिखे थे, जवाब नहीं दिया, मतलब ये सूरत हाल जहां आपका ख्याल है यहां पे भी ऊपर बैठा रहे। वो आपको डेटाबेस याद है जो नादरा और FBR वाले बोलते थे कि हमारे पास डेटाबेस है कितने लाख पाकिस्तानियों का, वो तारिक मलिक कहते थे कि मैंने डिटेक्ट करके इनको स्कैन करके नंबर दिया, ये कुछ करते नहीं। मेरे साथ बैठ के मुस्लिम लीग नून के लीडर्स ने अपने इलेक्शन से पहले ये क्या था कि हम इनको जाके पकड़ेंगे। मिफ्ता साहब से पूछने पहले, मिफ्ता साहब ये क्या केस है जी मुल्तान मेट्रो का? ये हमारे पास ईमेल की कॉपी भी है, मैंने बहुत सी तफसीलात इकट्ठी की है, नोट्स का ढेर है मेरे पास, दोबारा पढ़ देता हूं, मैं एक दफा बोल चुका हूं, बट इफ यू नो आई वुड लाइक टू नो। सच्ची बात यह है कि मुझे नहीं पता थी कि इस पर बात होगी आज, तो मुझे थोड़ा सा, मैंने क्योंकि मैं PM ऑफिस में बैठता हूँ तो मैं कहीं सुना है इधर उधर बात कि कुछ 17 मिलियन डॉलर, आप शायद 50 कह रहे हैं कि वो 17.5 मिलियन डॉलर हम पॉपुलरली रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन ये है कि इट इज़ अप टू $50 मिलियन टोटल अमाउंट। जो मैंने सुना था कि एक चाइनीज कंपनी ने पैसे भेजे थे चाइना, लेकिन डायरेक्टली भी पाकिस्तान से नहीं भेजे थे, आई थिंक किसी थर्ड कंट्री के थ्रू भेजे थे, मॉरिशस थी मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर कि कौन सी कंट्री थी, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक एक मॉरिशस थी इसमें। ये कौन है साहब जो कैपिटल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी को हेड करते हैं, खुर्रम शाह? सर मैं नहीं जानता हूँ। तो ये पैसे गए थे चाइनीज़ जो वहाँ पे SECP का जो काउंटर पार्ट है, जो भी इनका इदारा है, उसको थोड़ी सस्पिशियस लगी, इसने हमसे पूछा, हम और SECP ने तो कह दिया कि ये कंपनी जो है
ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके रिकॉर्ड में नहीं है, एड्रेस भी फेक है उसका, जो एड्रेस जिसके तहत उसने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिया वो एड्रेस भी फेक है। एससीसीपी ने कैसे हो गया, बिडिंग प्रोसेस से कैसे गुजर गया? एससीसीपी ने तो कहा कि ये रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास, तो एससीसीपी ने तो अपना काम कर दिया कि उसने ये नहीं झूठ नहीं कहा कि मैं रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग विद एससीसीपी और एससीसीपी इसके ऊपर बैठी हुई है। लेकिन एससीसीपी ने ये पहले आई थिंक ये इंडिकेट कर दिया कि दिस कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एससीसीपी ने रजिस्टर कर दिया था कि दिस कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड विद अस, तो एससीसीपी ने तो अपनी बात कर दी। अब ये चाइनीज कंपनी है, इसने यहाँ पे $280 मिलियन का प्रोजेक्ट था, ये जो 28 अरब रुपए बनते हैं, लिटिल लेस देन 205 है तो $270 मिलियन का, उसमें $17 मिलियन अगर उसने प्रॉफिट कराया तो कोई इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है, 7-8% अगर उसने प्रॉफिट कर लिया तो। लेकिन ये अजीब सी बात है कि चाइना वाले सस्पेक्ट कर रहे हैं उसको, हो सकता है, मेरा ये ख्याल है, मुझे नहीं पता है, कि जो चाइनीज़ कंपनी थी ना वो अपना प्रॉफिट वहाँ पे टैक्स नहीं देना चाह रही होगी तो इवेट करना चाह रही होगी, तो उसने ज़्यादा पाकिस्तान में प्रॉफिट दिखा दिया, मुझे नहीं पता उसका क्या, मुझे इसके वो कवायफ नहीं पता, मतलब आप जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कैसे हुआ होगा, आपको हो सकता है, आई रियली डू नॉट नो, मतलब मैं सच्ची बात है कि मुझे इसके फैक्ट्स के बारे में पता नहीं है। जो कंपनी कैपिटल इंजीनियरिंग है, किसी को पता है जी, मैं ज़रा सा इस पर ऐड कर दूँ कि पिछले जो 20-25 साल है ना, चाइना में ये जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उनका सेंट्रल बैंक है, आप क्वालिटी जाके देखें ना नदीम मलिक, वो अमेरिका से बेहतर है, ये ज़्यादातर पढ़े हुए को हार्वर्ड का, येल का, वॉटन का, सारे टॉप नॉच प्रोफेशनल्स हैं। सो इतनी मोटी मोटी चीज़ जो है ना, उनको भी अकल है, अगर वो एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो जाहिर है कम से कम बादियों नज़र में, कम से कम बादियों नज़र में कोई गड़बड़ है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल प्रॉफिट एक वहाँ पर जा रहा है, नहीं नॉर्मल तो है नहीं। और लेटेस्ट हमारी इतला ये है कि ये शख्स ने, खुर्रम शहजाद ने कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दी हैं, जो टीम चाइना से आई उसके साथ भी, मैं सुनने में आ रहा है कि लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, लेकिन हमें भी यही सुनने में आ रहा है कि वो तो खुद कहता है यार मैं तो शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन हूं, मेरा कैसे ताल्लुक, दिस इज व्हाट समबडी टोल्ड मी, और मैं इस पे परेशान हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मैं इस पे परेशान हूँ अगर ये वाकईतन कंपनी उसी की थी, क्योंकि इस शख्स ने, खुर्रम शहजाद ने, कहते हैं कि ये तासुर खुद दिया वहाँ पे कि ये जो कंपनी है कैपिटल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, इट इज़ ओन्ड बाय शरीफ फैमिली, ये मुझे जवाब मिला बड़े सीनियर ऑफिशियल्स है, ये शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर उनका लिंक्ड विद शरीफ फैमिली। मैं लाइक ऐसा कि मैंने खुर्रम शहजाद का कभी नाम नहीं सुना, मेरे कोई क्रिकेटर था खुर्रम शहजाद, मुझे क्या मालूम कौन था, नहीं नहीं ये ईस्ट शहजाद का था, इसलिए खुर्रम मंजूर सॉरी, तो वो सॉरी माय अपोलॉजीज, मैं खुर्रम शहजाद को मैंने कभी नाम नहीं सुना, आज पहली मरतबा आपसे नाम सुना है, तो मुझे अगर ये पता होती, सच्ची बात मैं बताऊं नदीम भाई, अगर मुझे पता होती कि इस बारे में बात करते तो मैं 1 घंटे में कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर लेके आता। आप प्रोग्राम के दौरान कोशिश करिएगा ब्रेक में अपडेट लीजिए, मैं एंड में दोबारा नदीम मलिक साहब, ये वैसे भी आपको आजकल के हालात के तनाजुर में पहले बताना चाहिए, क्योंकि अब आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि पीएम हाउस और सीएम हाउस एक ही पेज पे हैं। बड़ा फासला है दोनों के दरमियान। अच्छा मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वो मेल वगैरह डाली। मैं एक मरतबा फिर वो रिक्वेस्ट कर दूं कि चाइनीज कंपनी अगर वहाँ पे उनकी अथॉरिटीज पूछ रही हैं तो इट मे नॉट नेसेसरली बी समथिंग रॉन्ग इन पाकिस्तान, वो अपनी कंपनी कहीं से देयर इज समथिंग रॉन्ग विद टू कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था और उनके साथ इन्वेस्टिगेशन, मुझे नहीं पता अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर भी कोई गलती कर रहा है, मैंने इसके ऊपर एससीपी से भी जवाब मांगा और उनकी वो जो खातून है खालदा हबीब उनको भी ईमेल डाली मैंने, चाइनीज वो जो क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट वाले हैं उनको भी ईमेल डाली है, उसका भी जवाब नहीं आया, एम्बेसी में भी उनको मैंने लिख के भेजा, अभी उन्होंने भी रिप्लाई नहीं मुझे किया, लेकिन जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का एक फॉर्मल सा जवाब है वो कहते हैं कि मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MMOU इसके तहत वी आर बॉन्ड के हम उनके जो सिक्योरिटीज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके साथ कॉपरेट करें तो कॉपरेट कर रहे हैं, ये उनका एक फॉर्मल सा जवाब है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ने कौन सी कंपनी के बारे में कहा था कि वो रजिस्टर्ड नहीं है एससीसीपी के पास, ये चाइनीज कंपनी, ये मेरे ख्याल से غالبا जो चाइनीज कैपिटल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, दिस इज नॉट रजिस्टर्ड विद, ये जो खुर्रम शहजाद की कंपनी है ये एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड है, बट यही तो मेरा इसलिए तो मैं पूछ रहा था, अगर ये खुर्रम शहजाद वाली कंपनी है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कंपनी काम ही नहीं कर सकती जब तक सिक्योरिटी चेक कुछ के बारे में, यही क्योंकि यही कंपनी है वो, ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसका एड्रेस भी फेक है, जब उन्होंने कॉरेस्पोंडेंस की तो फेक है, ये तो खुल्लम खुल्ला, तो उसके बाद से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने क्या एक्शन लिया इनके खिलाफ, ये तो कानून की ब्लेटेंट वायलेशन कर रहे हैं मुजफ्फर मिर्जा साहब, बगैर रजिस्टर्ड हुए कंपनी काम नहीं कर सकती। मैं सवालों का जवाब वैसे नहीं ले पाया, लेकिन मुजफ्फर मिर्जा साहब आप अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस पे उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं, शर्मिला से भी इस पे कमेंट लेने, फिर मैं इस पे एक अगर इतनी सी बात कर दूं कि ये जरूरी नहीं है कि कोई इलीगैलिटी पाकिस्तान में हुई हो, हो सकता है कि इलीगैलिटी चाइना में हुई हो, वो सिर्फ सर हमारी खबर यह है कि ये इन्फ्लेटेड मुझे नहीं पता उसका इन्फ्लेटेड कॉस्ट के ऊपर बिड की गई और वो पैसा जो था वो फिर घुमा के गायब कर दिया। उसके अलावा मिफ्ता एक कानून की खिलाफवर्जी तो आपको वाजे नजर आ रही है ना, पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस कर ही नहीं सकती सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन नहीं, बिल्कुल। और शर्मिला भी आप बताइएगा, फिर ये मेरे पास दो इकोनॉमिक एक्सपर्ट बैठे हैं, इन्होंने मुझे घुमाई रखना है और पाकिस्तानी कौम को भी चक्कर में जा देंगे। आप बताइएगा, ये मुल्तान मेट्रो का प्रोजेक्ट है 28-30 अरब के अंदर से 5-7 अरब का पैसा गायब हो गया कहीं, उसके ऊपर तहकीकात हो रही है, चाइना भी सवाल उठा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया था, और एक कंपनी जो है
दावा किया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी, ये दावा किया जा रहा है कि रूलिंग एलीट के साथ उसके कनेक्शन है। मलिक साहब देखिए, ये जो मुल्तान मेट्रो का ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, इसको बड़े फैनफेयर के साथ मियां साहब ने कोई 24-25 जनवरी इस साल में लॉन्च किया है, और जब वो इनॉग्रेशन के लिए पहुंचे तो उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर करी, और क्योंकि उस वक्त पैनामा का इशू बड़े अपने उरूज के ऊपर था, फैसला मुतवक्को था किसी भी वक्त, और उन्होंने बाकायदा करप्शन पे बात की कि मुझ पर 1 रुपये की करप्शन आज तक साबित नहीं हुई। इनकी तकरीर के बाद जब शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर करने आए, और मैं चाहूँगी कि वो आपकी टीम वो फुटेज ढूंढ के ज़रा दिखाए, उन्होंने कहा कि जी 1 रुपया मेरे भाई ने आज तक करप्शन में नहीं किया, और क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, और अगर 1 भी रुपया इस प्रोजेक्ट में किसी प्रोजेक्ट के अंदर निकला तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो मेरे ख्याल है बेचारे मिफ्ता साहब को तो आप खामखा सवाल जवाब कर रहे हैं, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, आपको तो बकायदा पूछना चाहिए शहबाज शरीफ साहब से, जिनकी ये स्पीच ये रिकॉर्ड है, पब्लिक स्पीच है, जिसपे उन्होंने कहा कि अगर 1 भी रुपया करप्शन का इस प्रोजेक्ट में साबित हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे, और बकायदा कसीदे पड़े गए बड़े भाई के और अपने कि जनाब पंजाब के अंदर गवर्नेंस ऑफ पंजाब जो है वो नया पाकिस्तान है, पंजाब में आप डेवलपमेंट देखें, पंजाब में आप मेट्रो बस देखें। आपको याद होगा मलिक साहब कि ये जो उन्होंने मेट्रो ट्रेन भी बनाई थी, ये भी दुनिया की महंगी तरीन मेट्रो ट्रेन है, मतलब इसकी अगर आप कंपैरिजन करें भारत में जो ट्रेन चल रही है मेट्रो ट्रेन, उससे तकरीबन कोई 4 गुना ज़्यादा है, और उस वक्त भी हमने ये बात कही थी, हम रिकॉर्ड पे लेकर आए थे कि ये इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जो आपके बराबर पड़ोसी मुल्क के अंदर उसके 1/3 प्राइस के ऊपर बन रहे हैं, तो उस वक्त भी कोई बात नहीं हुई थी, ये बड़े बड़े जलसे करके उसमें तकरीर करते हैं कि जी हम पे कोई करप्शन का पैसा साबित नहीं हुआ, और फलां चोर है और वहाँ चोरी है और वहाँ मिस गवर्नेंस है, और अपने कसीदे पढ़ते हैं। ये तो देखे ना, अब ये आपके सामने एक चीज़ आई, अभी तो और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, जो दीगर मेट्रो बसेज हैं उनके हवाले से चीज़ें सामने आएंगी। अब देखे ना, चाइना जो हमारा इतना दोस्त सीपैक पूरा यहाँ पर कर रहा है, वो उसके ऊपर रिजर्वेशन उठा रहा है मेरे, और उस पर जवाब देने वाला कोई नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। सबसे जो हैरतनाक बात है और जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि देयर इज नोबडी हु इज विलिंग टू स्टेट द फैक्ट्स, ना किसी को पता होते हैं, और ये मिफ्ता इस्माइल साहब का कसूर नहीं है, क्योंकि इनसे ये चीज़ें शेयर ही नहीं होती, इनको पता ही नहीं होती, ना इनको बताया जाता है। कोई आपका कम्युनिकेशंस मिनिस्टर नहीं है जो आके इसके हवाले से बात करे, शहबाज शरीफ अपनी ब्रेक ले लूं, आपकी ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर ये जो अदादो शुमार है आबादी के हवाले से, इस पे भी सबसे राय लेंगे, हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं, हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। उमर सैफ साहब हैं पंजाब आईटी बोर्ड के, ये उनके ऑफिस के ऊपर कल अले सुबह ये 4-5 बजे 6 बजे कोई भी टाइम हो सकता है, एग्जैक्ट टाइम के मतलब अभी कुछ कहना मुश्किल है, उनके ऑफिस की विंडो को तोड़ते हुए, जो 11वीं मंजिल पर उनका ऑफिस है, जिस जगह तकरीबन वो बैठते हैं उस जगह ये बुलेट हिट की है, बड़ी हाई कैलिबर गन होगी, छोटे पिस्टल से नहीं हो सकता, काफ़ी वो सिक्योरिटी वाला मोटा ग्लास लगा हुआ है कि आसानी से वो शटर नहीं हो, उसको तोड़ते हुए उनकी जहाँ पे अपनी कुर्सी है उसको निशाना लिया गया। बहुत संजीदा मामला है और इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। आज से चंद हफ्ते पहले ही एक जो ब्लास्ट हुआ था उसी बिल्डिंग की बिल्डिंग से कोई हार्डली 100-150 मीटर दूर ही हुआ था, तो ये दूसरा मौका है। इनका जो इदारा है कुछ ऐसी ऐप्स के ऊपर भी काम करता है जो हमारे सिक्योरिटी के इदारों के लिए हेल्पफुल होती हैं, तो एक रीज़न हो सकती है इस शख्स को टारगेट बनाने की। लेकिन ये मामला सिर्फ मैं हाईलाइट करके छोड़ूंगा, मैं नहीं चाहता कि बिला वजह इससे कुछ पैनिक क्रिएट हो, लेकिन उस शख्स के अपने ऑफिस को अगर उसकी कुर्सी को निशाना बनाया गया तो बड़े अच्छे वेल डिज़ाइन तरीके से इस फायर को किया गया, जिसने भी किया मैसेज भी कन्वे करना पर्पज़ हो सकता है, अभी वो खुद ऑफिस में नहीं थे, उनके ऑफिस में आने से पहले ये फायर हुआ है। जी अरफा क्रीम टावर जानबूझ के अवॉइड कर रहा था लेकिन उसी जगह उनके ऑफिस में हुआ। ये कल सुबह का वाक़ा है, इसको सवाल जवाब नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ, इसको ज़्यादा बेहतर होगा कि इस पर पैनिक ना हो। पॉपुलेशन की तरफ ले आऊँगा, पॉपुलेशन के नंबर्स हमारे सामने, असद उमर साहब
और जो सवाल सारे पूछ रहे हैं वो ये है कि पॉपुलेशन लाहौर की क्यों बढ़ गई है, कराची की उतनी क्यों नहीं बढ़ी? MQM, पीपल्स पार्टी सारे बड़ा इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ वजाहत आप कर सकते हैं इसकी नंबर्स की? सर मैं एक जुमला सिर्फ ये बोलूँगा कि अल्लाह ताला खैरियत से रखे उमर सैफ को, हाई क्वालिटी प्रोफेशनल है, पाकिस्तान को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा जी, ये जहाँ तक सेंसस का ताल्लुक है ना, सेंसस आपको पता है कि इंतहाई इमोशनल सब्जेक्ट है, क्योंकि उस पर दारोमदार है सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, किस सूबे में किस शहर को कितनी सीट्स मिलेंगी, NFC अवार्ड का ताल्लुक है उससे, तो बड़ा एक इमोशनल सब्जेक्ट है। हमारी कोशिश ये है कि इसको एक सियासी मसला ना बनाया जाए, सवाल ज़रूर खड़े हुए हैं इसमें कोई शक नहीं है। सेंसस सही तरीके से हुआ? देखिए सेंसस जब हो रहा था तो उसमें कुछ सवालात ज़रूर खड़े किए गए थे, पूछे गए थे, लेकिन बाय एंड लार्ज आपने कहीं तूफान नहीं सुना होगा। मैंने कोई कंप्लेंट ऐसा सच नहीं सुनी कि नंबर किसी के छुपा दिए गए। हाँ ये नहीं, कोई ब्लॉक गायब कर दिया गया। पुरसरा के ऊपर उठाए गए थे क्योंकि ये स्टेटिस्टिक डिवीजन करता है और वो फाइनेंस की कायमा कमेटी के नेशनल असेंबली के नीचे आता है, तो इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो पूरी दो प्रेजेंटेशन हुई थी हमारी कायमा कमेटी में, तो मैं उसके अंदर शामिल था, सवाल जरूर उठाए गए थे, लेकिन ये जिस वक्त सर्वे हो रहा था तो हमें कोई ब्लॉक के, अगर आपको पिछली दफा का याद हो तो तूफान खड़ा हो गया था। रिजल्ट प्रॉब्लम आती है कि अगर आपके सेंसिस ब्लॉक्स मिस हो जाए दरमियान से, ऐसी कोई कंप्लेंट मेरे सामने नहीं है, टिल टू डेट नहीं है। लेकिन ये एक ये कहने के बाद ये जरूर है कि जो रिजल्ट आए हैं उसमें कुछ ताज्जुब जरूर नजर है, ताज्जुब नजर आता है, कोई वजह है आपके पास? देखें जो पाकिस्तान के 3-4 बड़े शहर हैं, सिर्फ कराची और लाहौर का बताएं, लाहौर डबल इमिग्रेशन हो रही है, ठीक है जी, ठीक है, आप इस्लामाबाद को देख लें, आप पेशावर को देख लें, आप लाहौर को देख लें, तो शायद सबसे ज्यादा तो इमिग्रेशन कराची में होती है, और कराची के अंदर आबादी जो है उसकी जो इंक्रीज है वो लाहौर से तकरीबन आधी है, वो लाहौर डबल से ज्यादा है। चार और पांच साल आप कराची आइट हैं, आप दोनों कराची आइट हैं, चार पांच साल में शायद कराची की पॉपुलेशन में वो इन्फ्लो नहीं है जो पहले सालों में हुआ करता था। नहीं सर, ये ही तो कमाल है कराची का, सब लोग ये बोलते भी रहते हैं हालात बहुत खराब है, और पिछले 4-5 साल में तो कराची के हालात बेहतर हुए, तो इन्फ्लो जो वो रुका नहीं है। मिफ्ता साहब, तो इसलिए मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं, इसका तरीकेकार ये है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे कायमा वापस बुलाया जा सकता है, जो सेंसस जिन्होंने करवाया बाजवा साहब उनको बुलाया जाए, तमाम सियासी पार्टीज वहां पे बैठी हो, तफसीली सवाल जवाब हो, अगर कोई सब कमिटी स्पेशल बनाने की जरूरत पड़े वो बने, और एक संजीदा तरीके से, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों से हल नहीं होगा मसला, इससे पहले कि इस पर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो जाए कि सेंसस ही बेकार हो जाए, फौरी तौर पर गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी को इसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, तो और रिपोर्ट हाउस के अंदर प्रेजेंट करना चाहिए, सब कमेटी बनाए, वो शुड रिमेन क्रेडिबल, बिल्कुल सब कमेटी बने, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते काम करे, तफसीली रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखे, इसी के ऊपर NFC है, इसी के ऊपर डिलिमिटेशन है, इसी के ऊपर ये आपकी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी डिजाइन होनी है। मिफ्ता साहब, एक तो जो असद ने कहा उसका आई वॉन्ट टू शेयर द सेम सेंटिमेंट्स अबाउट उमर सैफ, मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ जो शर्मिला बीबी कह रही थी कि शहबाज साहब बड़े बड़े जलसों में, एक तो शुक्रिया कि उन्होंने ये तो एडमिट किया कि बड़े बड़े जलसे करते हैं हम, कि बड़े बड़े जलसों में कहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ मियां नवाज शरीफ की, मैं शहबाज शरीफ मेरे बड़े भाई नहीं हैं लेकिन मेरे लीडर हैं और मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ इव इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी मनी बेईमानी, मतलब अफसोसनाक होगा अगर ऐसा होगा, सीरियसली मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है, एक तो ये, हैविंग सेड दिस, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, जो असद ने बात करी एकदम दुरुस्त करी, लेकिन 2-4 हर पार्टी में पढ़े लिखे लोग हों जिनको थोड़ी स्टैटिस्टिक्स समझो उनको ये करना चाहिए, मैं कल भी शो में देखा और अजीब अजीब लोग बात कर रहे हैं कि क्या हम ज़्यादा फर्टाइल हैं और ये अजीब सी बातें, देखें अब मैं आपको एक आध फैक्ट बता दूँ कि सेंसस के पास स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के पास इतने लोग नहीं होते, तो वो सूबों के लोगों के कहते हैं कि आप इन्यूमरेटर्स हायर करें, सूबे के जो DCOs वगैरह होते हैं वो हायर करके देते हैं, एक फौजी भी साथ साथ होता था वो भी इन्यूमरेट करता था साथ साथ, ये मेन करते थे वो, और उस डेटा को इन्होंने वो साथ भी चेक किया है। होता ये कि कराची की एक सिटी लिमिट है, उस सिटी लिमिट प्रोविंस डिसाइड करता है, उसमें कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कोई कंस्पिरेसी करी है, उन्होंने एक कराची की सिटी लिमिट डिफाइन करी है, जो कराची का मेट्रोपॉलिटन एरिया इट इज़ मोर देन द कराची सिटी लिमिट, कुछ कल मैं एक शो पर था तो वो कह रहे थे कि कराची तो हब तक फैला हुआ है, विच इज़ ट्रू, हब चौकी तक कराची फैला हुआ है, लेकिन हब चौकी इज़ मैनी माइल्स इन साइड बलोचिस्तान, वो कराची फैला हुआ ज़रूर है लेकिन वो तो ज़ाहिर है बलोचिस्तान सिटी लिमिट से बाहर इलाका है। अब आपने सेंसस को कहा कि देखो ये हमने मार्क जो एरिया डिलिमिट करा इसमें तो गिन लो कितने लोग हैं, उन्होंने वो गिन के दे दिया है, वो उससे इनको कोई ताल्लुक नहीं है कि अर्बन है कि रूरल है। अब 3 साल पहले पंजाब हुकूमत ने कहा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लाहौर के हैं वो सारे अर्बन हैं,
یہ انہوں نے خود کلاسیفائی کر دیا. ٹھیک ہے, لاہور کے جو جوائننگ ایریاز آئیں گے وہ انہوں نے لاہور شہر کے اندر گنے, وہ تو صوبے نے کرا ہے نا. انہوں نے ان کو تو یہ کہا کہ دیکھو اس ایریا کو ہم لاہور بولتے ہیں, اس کے اندر لوگ گن لو, ہم نے اس ایریا کو کراچی کہتے ہیں. اب آپ کا جو عام فہم اور یہ ڈیلیمیٹیشن جو تھی, یہ پنجاب حکومت اور سندھ حکومت نے خود سے کی. ٹھیک ہے, ہاں یہ صوبے کرتے ہیں. اس میں آپ کا سینٹر کا کوئی رول تو نہیں؟ ہاں نہیں, اس سے کوئی رول نہیں, پروونس کی جو لوکل گورنمنٹ منسٹری ہے یہ وہ کرتی ہے, وہ فیصلہ کرتی ہے. تو اس سے کوئی, اچھا اب دوسری بات یہ کہ کراچی اور لاہور کی پاپولیشن سے سندھ اور پنجاب کے این ایف سی ایلوکیشن سے فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑتا, بلکہ پنجاب کی پاپولیشن گری ہے. اب میں آپ کو, پنجاب کی پاپولیشن گری نہیں ہے, پنجاب کی پاپولیشن از دا لیسٹ فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن. پاکستان کی ایوریج جو ہے وہ 2.4 ہے, بلوچستان کے اندر 4% بڑھا ہے, اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری میں بھی 4% بڑھا ہے. اور اسلام آباد میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے جس پہ ہم لوگ آج کل اس پہ نہیں زور کر رہے ہیں, ہم تو سیاست میں آ گئے, کہ جینڈر ڈسپیرٹی پاکستان میں بہت ہے. 105 آدمیوں پہ 100 عورتیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لڑکیوں کو ایکٹیو نگلیکٹ ہو رہا ہے, ان کو اتنی ہیلتھ کیئر نہیں پرووائڈ کی جا رہی, اور وہ ایکچولی دے ڈائی مور آفن دین ینگ. ٹوٹل پاپولیشن شیئر آف پنجاب جو ہے وہ نیچے آ گیا, شیئر آف پنجاب پیچھے آ گیا, پروپورشن پنجاب کا نیچے آیا, کیونکہ سندھ کی پاپولیشن زیادہ تیزی سے بڑھی. اب کوئی لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کو 1 کروڑ سے انڈر رپورٹ کیا, اتنی سی بات سن لیجیے, اور سندھ کو 2 کروڑ سے انڈر رپورٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ سندھ کی پاپولیشن 7-8 کروڑ کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ 4.5% سے بڑھنا چاہیے. دیٹس ناٹ پاسبل. اگر پاکستان کی ایوریج 2.41 آئے گی نا, تو اتنے بڑے بڑے پروونسز کو جس کی ڈیموگرافک ایجوکیشن لیول پاکستان سے فرق نہیں ہے, ود ان 1 سٹینڈرڈ ڈیویشن آنا چاہیے, اس کے اوپر آنا نہیں چاہیے. اسٹیٹسٹکلی لا آف لارج نمبرز کے اندر پاکستان اگر 2.41 پہ گرو کر رہا ہے, تو سندھ کین ناٹ ریلی گرو مور دین 3 اور لیس دین 2. اٹ ہوتا نہیں, ہو نہیں سکتا, اسٹیٹسٹکلی ناٹ پاسبل. پاکستان کی اوور آل پاپولیشن گروتھ ہے دیٹ از 2.4, جی 4 بڑا ہائی نمبر, لیکن اس میں پنجاب کی از 2.13. بس ٹھیک ہے, مطلب 2 سے, مطلب اس کے اندر ہونا چاہیے, اس سے بہت زیادہ بینڈ میں فرق نہیں آنا. شرمیلا سے پوچھ لیں, پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. شرمیلا, اب آپ بتائیے, آپ کی حکومت نے اگر خود سے ڈیلیمیٹیشن کی ہے, خود سے آپ نے کراچی سٹی ایریا اس کو مارک کر کے دیا ہے کہ یہ سٹی ایریا ہے, اس کی کاؤنٹنگ کرنی ہے آپ نے, تو پھر اتنا کنسرن آپ کیوں شو کر رہے ہیں؟ ملک صاحب, جس وقت یہ سینسس شروع ہو رہا تھا اس وقت بھی سندھ کی کچھ ریزرویشنز تھیں جس کو وفاق ایڈریس نہیں کر پایا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جی جب آپ رجسٹریشن کر رہے ہیں ہاؤس ہولڈس کی, تو اس کی ایک کاپی پروونشل گورنمنٹ کو بھی آپ دے دیں تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو, لیکن آف کورس فیڈرل گورنمنٹ اس بات پہ نہیں راضی ہوئی. اب میرے پاس ایک کمپیریٹو چارٹ ہے, آئی وش آئی کوڈ شو اٹ ٹو یو آن یور اسکرین, لیکن اگر آپ اس کے اندر دیکھیں کہ 2011 کے اندر جو ہاؤس سینسس ہوا تھا, وہ سارے صوبوں کے اندر وہ ہاؤس ہولڈز انکریز ہوئے ہیں, ماں سوائے سندھ کے جس میں ہاؤس ہولڈز بھی کم ہو گئے ہیں اور جس کے نا پاپولیشن بھی کم ہو گئی ہے. باقی سب صوبوں میں ہاؤس ہولڈز بھی انکریز ہوئے ہیں اور پاپولیشن بھی انکریز ہوئی ہے. سب سے زیادہ تو آف کورس پنجاب کے اندر ہوئی ہے, جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی دیا تھا, یہ فگرز میرے سامنے, لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا, اس کے اوپر تو سندھ حکومت نے تو اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا ہے, اور ایک آدھ دنوں کے اندر اناؤنس وہ کریں گے بھی کہ ملٹی پارٹی کانفرنس بلائیں گے اور اس کے اوپر ایک سنجیدگی سے ڈسکشن ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے اوپر جو کیوں ریجیکٹ کر دیا ہے شرمیلا, میں یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں, ریجیکٹ کیوں کر دیا ہے؟ کیا سینٹر نے, پاپولیشن سینسس کرنے والوں نے کچھ ایسے سینسس بلاکس تھے جن کو کراچی میں رہتے ہوئے انہوں نے گنا ہی نہ ہو کہ یہ نکال دو یار, ناظم آباد نہیں گننا, صرف یہ کلفٹن کو گن لو, کچھ ایسا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ ایسا میں نے نہیں سنا کہ ایریا مس ہو گیا. دیکھیے پروبیبلی, دیکھیے ڈیٹیلز تو ہم سے شیئر نہیں کی گئی نا, ابھی تو انیشیل ایک رپورٹ ہمارے پاس آئی, ہم سے ڈیٹیلز شیئر نہیں کی گئی. جس وقت سینسس ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ آپ ایک کاؤنٹر, ایک فائل جو ہے وہ ہمیں بھی دیتے جائیں. 2011 کی جو ہاؤس سینسس ہوئے تھے, میں اس کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس کے تحت کراچی کے اندر, بلکہ پورے سندھ کے اندر ہاؤس ہولڈز بھی انکریز ہوئے تھے اور پاپولیشن بھی تھی, 55 ملین سے زیادہ تھی. اب 2011 کے بعد, اب 2017 کے اندر وہ 47 ہو گئی ہیں, تو یہ کم کیسے ہوگی؟ باقی سارے صوبوں کے اندر انکریز ہوئی ہے, ایسا کیا ہوا سندھ کے اندر کہ یہ پوری کی پوری شرمیلا نے ایک ہاؤس ہولڈ والا دوسرا سوال کیا, آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ میں بتا دوں کہ پتہ نہیں شرمیلا کو کسی نے غلط ڈیٹا دے دیا ہے. پچھلے سینسس کے اندر سندھ کی آبادی 3 کروڑ تھی, اور یہ جو سینسس ہوا ہے اس میں آبادی بڑھ کے 4.8 کروڑ ہو گئی, 60% آبادی میں اضافہ ہوا ہے. 2.41% سے آبادی سندھ کی بڑھی ہے, 2.40% سے پورے پاکستان کی بڑھی ہے. تو سندھ کی اور پاکستان کی آبادی ایک ہی لیول, ایک ہی ریٹ سے بڑھی ہے. ایشو جو آ رہا ہے نا کراچی کا, جو مستفتا بات کریں, وہ چھوٹی بات نہیں ہے. وہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے یار, وہ تو صرف سٹی لمٹس نہیں ڈیفائن کی ہے, کیونکہ وہ جو جن لوگوں کی بات کریں نا, اور یہ مفتا کو بھی پتا ہے,
कि चाहे वो घरों की तरफ आबादी फैली हो या वो सोरागोट से आगे फैली भी हो या वो हब की तरफ फैली भी हो, वो पानी कराची का इस्तेमाल करता है, टैंकर वो खरीद के वहां पे ले जाता है। मैं सिर्फ एक चीज की मिसाल दे रहा हूं। इसी तरीके से जो भी कराची के रिसोर्सेज हैं, तो कागज पे तो कराची की आबादी आ गई 1,60,00,000, रियलिटी में कराची की आबादी जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है। तो कराची के जो हालात हैं, आप गए होंगे, अगर आप देखें कराची के हालात, कोई पाकिस्तान का बड़ा शहर नहीं है जो इतनी अबतर हालत के अंदर हो। लेकिन इस प्रॉब्लम को किसने एड्रेस करना था कि वो इन एरियाज को कराची के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में, मलिक साहब दोबारा रिपीट करूंगा, मेरे ख्याल में इसका सही जवाब देने के लिए एक मैं शर्मिला में मुकम्मल कर लूं, उसके बाद आप जरूर बोल लीजिएगा। मैं जैसे पहले कहा था, मैं सियासत इस पे करना नहीं चाहता, इसलिए मैं कोई ज्यादा जज्बाती स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि एक प्रॉपर तरीके से सब कमेटी बने, भरपूर काम हो। लेकिन जो वादियों नजर में हमें इस वक्त नजर आ रहा है, वो गलती जो है एटलीस्ट कराची के लेवल तक काउंटिंग में नहीं है, गलती इस बात पे है कि कराची की जो लिमिट्स डिफाइन की गई हैं वो गलत हैं। दैट आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा मिफ्ता ने, वो सूबाई हुकूमत का काम। मिफ्ता साहब, ये तो ऐसी चीज है जो शायद अभी भी उसको आप एरियाज आइडेंटिफाई कर लें कि ये एरिया कराची से सिंध हुकूमत शामिल करना चाहे तो कर ले, और जो सिटी लिमिट्स में शामिल कर ले। ऐसे क्योंकि मुस्लिम लीग हम फेडरल में हैं और तो हमारे ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो मैं उस पर कोई वो नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं देखें, अगर हमने खुदा न खास्ता बेईमानी करके पॉपुलेशन बढ़ानी होती तो हम पंजाब की पॉपुलेशन बढ़ाते हैं ना। पंजाब का पॉपुलेशन शेयर नीचे चला गया, उसको एनएफसी से कम पैसे मिलेंगे, उसको दैट शुड रिमेन वेरी क्लियर, दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है, अच्छा अब देखें, पंजाब की पॉपुलेशन एक मिसाल दे रहा हूँ कि 10 करोड़ थी, अगर उधर 10% भी बढ़ेगी ना तो 1 करोड़ बढ़ेगी। सिंध की पॉपुलेशन अगर 2.5 करोड़ थी, अगर आप 20% भी बढ़ाएंगे तो 50,00,000 ही बढ़ेगी। तो मतलब दैट्स, ये तो मतलब ये तो मैथ है, मतलब इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो हमने सिंध को जो है इस लेकिन बार ये स्टैंडर्डाइज्ड कोई इसका फॉर्मूला नहीं था कि जैसे आप बता रहे हैं कि लाहौर में उन्होंने जो तमाम देखें, अब भी इस वक्त भी चाहें तो सिंध की हुकूमत जो है वो कराची की लिमिट को डिफरेंटली डिफाइन कर डिफरेंटली डिफाइन चाहे तो कराची को जो है लिमिट को उसको हैदराबाद तक ले जा सकती है, सखर तक ले जा सकती है, उनकी मर्जी, उसको अर्बन कह सकती है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम नदीम लिमिट को रीडू करें, आपको क्लियर बता दूं, वो चाहे नहीं, ये करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, किसी को करना पड़ेगा, सिंध हुकूमत को करना पड़ेगा। किसी सूरत भी कराची में रहने वाला कोई मान ही नहीं सकता कि कराची के बाद ही सिर्फ 1,60,00,000 है। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि इस बात होगी, तो मेरी बात भी हुई थी आसिफ बाजवा साहब से, और कुछ 22-23 लाख लोग उन मौजों में रहते हैं, वो उन टाउनशिप्स में रहते हैं आउटसाइड ऑफ कराची, देह वगैरह के अंदर रहते हैं, कि जो कि कराची के अंदर ही हैं रेली, लेकिन वो कराची सिटी लिमिट में नहीं होते। ये सेंसस वालों की गलती नहीं है, सेंसस वालों से और बहुत सारी गलतियां सरसर हो सकती हैं, ये गलती इनकी नहीं। शर्मिला बीबी, क्या सिंध हुकूमत सिटी लिमिट्स को रीडिफाइन कर सकती है? ये बड़ा डायरेक्ट आंसर आपसे मुझे चाहिए। नहीं देखें, ये तो मेरे ख्याल है कि मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सब लोग बैठेंगे। ये पहले तो ये जो सेंसस के हवाले से जो रिजर्वेशन है इनको तो एड्रेस किया जाए। देखिए अभी जो ये बात की जा रही है ना, हमारे दो मोहतरम मेहमानों का ख्याल है कि आपने सिटी लिमिट डिफाइन नहीं की और ये सिंध हुकूमत की डोमेन थी। नहीं देखे, नहीं देखे, सिटी लिमिट्स जो जिस तरीके से डिफाइन हुई है बिल्कुल सही है, इसका ताल्लुक पॉपुलेशन से। आप मुझे बताएं ना कि आप ये तो नहीं बात है, जिस तरह हजरत उमर साहब कह रहे हैं कि जी हम कराची को लेके हैदराबाद भी इंक्लूड कर लें कराची के अंदर। मुझे आप एक बात बताइए कि खैबर पख्तूखा की पॉपुलेशन 98 से लेके अब तक 17 से 30 हो गई। अच्छा, उसके बाद पंजाब जो है वो 7 से 110 हो गई। बलूचिस्तान, जिसके हालात सबको पता है कि इंतहाई ख़राब हैं, बहुत मुश्किल के अंदर है, उसकी 6 से 12 हो गई। और कराची जो है उसकी कम होती जा रही है, 30 से सिर्फ 47 हुई है। हाउस होल्ड डिक्रीज हो गए, बाकी हर प्रोविंस के अंदर हाउस होल्ड बढ़ नहीं, बाकी हर, अच्छा मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हम इस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि हमारे दिनों में मिल सके। आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सिर्फ एक जुमला बोलना चाहता हूँ, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो पार्लियमान इसलिए बनी हुई है, वो रेवड़ियां बांटने के लिए नहीं बनी हुई है, पार्लियमान के अंदर आके इसके ऊपर डिस्कशन। असद उमर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, शर्मिला फारूकी साहब, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।